शामली में मंदिरों के पास नियम विरुद्ध चल रहे मीट मांस के नॉनवेज होटल को बंद करवाने के लिए 29 सितंबर में आयोजित हिंदू महापंचायत के बाद थाना भवन पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज सहित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर संत समाज एवं हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर संतों के नेतृत्व में दयाल आश्रम में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आने वाले 10 अक्टूबर को एक चेतावनी ज्ञापन थाना भवन पुलिस को देने की घोषणा की गई है और यदि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। यहाँ थाना भवन में हाईवे पर हिंदुओं के मंदिर है और उन मंदिरों के निकट ही मांस की दुकानें हैं, तो हमने ये कहा कि गाइडलाइन में भी ये है कि 100 मीटर के दायरे में यानी क्षेत्र में कोई भी शराब मांस अंडे की दुकान नहीं चलेगी और ये सारे 100 मीटर के ही अंतर्गत हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, उन्होंने बंद करा दिए, लेकिन एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि के कहने से उनको खोल दिया। फिर हमने बंद कराने के लिए कहा तो वो बंद नहीं हो, तो फिर हमने बैठक में जो भी निर्णय लिया गया उसमें मेरा समर्थन है और जो संतों के साथ अन्याय हुआ ये वाकई में ही गलत है। इसमें मैं कि तो क्या सभी संत समाज और सभी हिंदू समाज इकट्ठे होके 10 तारीख को थाने में पहुंचेंगे। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो आगे जेल भरने का या आगे और आंदोलन करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है और संत जब आगे आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। इसी संस्कृति को सुधारने के लिए स्वामी जसवीर जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर थाना भवन स्थित पंचतीर्थी आश्रम और रविदास मंदिर के आगे 100 मीटर के अंतर्गत ही जो मीट और मांस की जो दुकानें लगी है उसको हटवाने के लिए स्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से बड़े शांति पूर्वक एक योजना की है और उन्होंने वहाँ पर सरकार को चेतावनी भी दी है, लेकिन सरकार चेतने के बजाय सुधरने के बजाय सावधान होने के बजाय उल्टे संत के ऊपर ही धारा लगा चुकी है, मुकदमा दर्ज कर चुकी है। इससे हमारे संत समाज में बहुत भारी आक्रोश फैला हुआ है और आक्रोश के साथ साथ जन्म देखो सबको ज्ञात है थाना भवन के अंदर स्वामी यशवीर जी महाराज जी के द्वारा एक आयोजन किया गया हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, जो उनको असुविधाएं हो रही थी रोडों के माध्यम से, कारण मांस की दुकानें जिसकी दुर्गंध से वहां से चलने वाले लोग अति परेशान होने के बाद मुंह नीचे करके पवित्र होने के बाद दुखी होकर लेकिन मंदिरों में प्रणाम करने जाते थे, तो इन रोडों से जो मंदिरों के आसपास की ये दुकानें हैं कम से कम इसको हटाया जा सके, इसका आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन बहुत मर्यादित तरीके से किया गया, कानून के अंतर्गत किया गया, कानून से कोई भी कार्य हटके नहीं किए गए। खुले सभा के अंदर बैठकर महापंचायत का भी एक आयोजन करने को कहा गया, वो तब जब इस कार्य को प्रशासन सही तरीके से गतिविधियों में नहीं लेगा, लेकिन इसका रूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि प्रशासन ने गलत तरीके से, जबकि मर्यादित सारा आंदोलन हुआ, मर्यादित सारे काम हुए, उसके बाद भी गलत तरीके से कुछ हमारे संतों के खिलाफ, कुछ भक्तों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी है जिसमें अनेक प्रकार की धारें लगा दी जिसका कोई टुकड़ा। फिलहाल संतों द्वारा मुकदमे को निरस्त करने की मांग की गई।
अगर पुलिस मुकदमे को वापस नहीं लेती तो देश भर से संत समाज और हिंदू संगठन के लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। ये जेल भरो आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक पुलिस प्रशासन इस मुकदमे को वापस नहीं ले लेगा और मास मीट के होटल हमेशा के लिए बंद नहीं करवा देता। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।